हेलो फ्रेंड्स, सुपर फूड माना जाने वाला जैकफ्रूट या जिसे कटहल या फनस भी कहते हैं, उसकी और एक अनोखी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसे शायद ही आपने खाया होगा। बहुत ही फ्लेवरफुल, डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी जैकफ्रूट का हलवा। इस यूनिक रेसिपी को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स एंड विल क्विकली स्टार्ट द रेसिपी। हलवा बनाने के लिए ये मैंने 4 कप पका हुआ फनस लिया है। इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसे मैंने निकाल लिया है। अब इनको हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। इसे इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसमें हम 1/4 कप काजू डाल के उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। काजू का रंग अभी बदलने लगा है। अब काजू के साथ हम 1/4 कप रवा डाल के उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। रवा हम हलवा में सिर्फ अच्छा टेक्सचर देने के लिए या बाइंडिंग देने के लिए यूज कर रहे हैं। काजू और रवा दोनों भी मस्त सुनहरा फ्राई हो गया है। अब इसमें जैकफ्रूट का पेस्ट हमने जो बना दिया था उसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जैकफ्रूट को हमें धीमी आंच में पकाना है। जैकफ्रूट कढ़ाई को चिपक सकता है, इसीलिए हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ कुछ जैकफ्रूट में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे बहुत देर तक चबाना पड़ता है। लेकिन जब हम हलवा बनाते वक्त जैकफ्रूट को पकाते हैं तो वो फाइबर सॉफ्ट और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, और इस तरह से हलवा बना के हम जैकफ्रूट को कुछ दिनों तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं। फ्रेंड, जैकफ्रूट जब पकने लगता है तो उसका ऐसे कलर चेंज होने लगता है, इसमें से घी भी छूटने लगता है और अब ये बर्तन से भी चिपकता नहीं है। अब इस स्टेज पे आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आपको गुड़ डालना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि ये जैकफ्रूट बहुत ही मीठा है। अब हम इसमें 1/4 कप खोया डालेंगे। खोया ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो अच्छा रिचनेस और टेस्ट ऐड हो जाता है। खोया को भी अच्छे से इसमें मिला लेना है। फनस की और भी रेसिपीज जो मैंने शेयर की है उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और उसे भी मिक्स करेंगे। और बस तैयार हो गया हमारा जैकफ्रूट हलवा या फनस का हलवा, कुछ भी कहिए, लेकिन इसे बनाइए जरूर। मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाएगा, ऐसा ये टेस्टी हलवा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं और एक हेल्दी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।